आरोग्यम अस्पताल पहले से भी चर्चा में रहा है अपने खामियों की वजह से। इवन 3 लाख रुपए उस इलाज के दौरान लगने के बावजूद, पेमेंट होने के बावजूद भी बिलिंग काउंटर की तरफ से किसी भी तरफ से ये सुविधा नहीं दी जा रही थी कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। और अपने पिताजी की बचने की स्थिति बहुत नहीं के बराबर, 8-10 दिन जी गए तो बहुत बड़ी बात है करके। हम भी बोले ठीक है सर, हमने नागपुर में दूसरी जगह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए। डॉक्टर ने हमको ये बोला कि आप 3 बजे तक नागपुर ले आइए करके। हमने नागपुर ले जाने के लिए वहाँ अपॉइंटमेंट लिए, डॉक्टर सब कुछ किए, सुबह डॉक्टर से और रात हमने दुर्ग शहर में नेशनल हाईवे के ठीक बगल में एक हॉस्पिटल है आरोग्यम। आरोग्यम अस्पताल पहले से भी चर्चा में रहा है अपने खामियों की वजह से। इसी के साथ साथ एक 16 साल की युवती आती है जो जहर का सेवन करती है, उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है उसको भी लेकर के आरोप मरता रहा है। जो आसपास के जो लोग थे, जो मरीज के परिजन थे, वो आरोप मरते रहे और ऐसे कई आरोपों के साथ आरोग्यम अस्पताल अब तक चल रहा है। आज से कई महीने पहले भी हमने अस्पताल में जा कर के खबर बनाई थी जिसमें आरोग्यम अस्पताल में ही परिजनों ने हंगामा किया था। ठीक वैसा ही एक हंगामा आज दोपहर को देखने को मिला उसी अस्पताल में। दरअसल एक शख्स नाम राकेश यादव नांदगांव से आए हुए थे अपने पिता को लेकर के। पिता के पेट में प्रॉब्लम थी, किडनी में प्रॉब्लम थी, तो इलाज के लिए वो आरोग्यम अस्पताल लाए हुए थे। आरोग्यम अस्पताल में डॉक्टर आर के साहू जो उनका इलाज कर रहे थे, उनको दिखाने के बाद ये कहा गया कि सबसे पहले तो ये कहा गया राकेश यादव के पिता को कि उनके जो पिता हैं उनका प्लेटलेट्स कम है। अब इलाज होता रहा तब तक प्लेटलेट्स वाली समस्या ख़त्म हो गई, लेकिन किडनी वाली समस्या जो थी वो अभी तक तटस्थ थी, उसमें भी इलाज जारी था। बाद में डॉक्टर आर के साहू आते हैं और ये कहते हैं कि आपके पिता अब हम उनका इलाज नहीं कर सकते, इन्हें कहीं दूर ले जाइए। अब ऐसे में कोई भी शख्स हो, अगर डॉक्टर आपके घर वालों को या किसी परिजन को ये कहे कि आपकी स्थिति अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा गंभीर होते जा रही है, हमारे अस्पताल या डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप हड़बड़ा जाएंगे। हड़बड़ाने के बाद भी राकेश यादव ने संयम रखा, उन्होंने नागपुर फ़ोन किया और नागपुर में एक डॉक्टर जो परिचित के थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि इलाज वहाँ पर हो जाएगा। इलाज के लिए उन्हें कल तक जो है डिस्चार्ज करना था, उन्हें कल तक ले जाना था और 3 बजे तक वहाँ नागपुर के डॉक्टर ने कहा था कि वो 3 बजे तक अपने हॉस्पिटल में मिलेंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। इसको लेकर के फिर राकेश यादव ने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने जो डिस्चार्ज है वो रिपोर्ट बनाने तक के लिए भी हामी भर दी। डॉक्टर आर के साहू का इंतज़ार कर रहे थे, आज 11 बज गए 12 बज गए, 12 बजे तक इंतज़ार करते रहे परिजन, राकेश यादव इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके पिता का डिस्चार्ज हो। 12:30 बजे के करीब जो है आर के साहू आते हैं। आर के साहू के आने के बाद ये होता है कि रिपोर्ट भी बन जाता है, डिस्चार्ज करने का जो रिपोर्ट बनता है, जो कागज़ बनते हैं वो भी सिग्नेचर हो जाता है। उसके बावजूद भी बिलिंग काउंटर में ये हुज्जत हो रही थी राकेश यादव के साथ कि आपको अभी डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें कारण बता रहे थे। अब ऐसे में डॉक्टर ने जिस अस्पताल में आप अपने पिता का इलाज करा रहे हैं उसके डॉक्टर ने कह दिया हम इनको ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, आपने अपनी सुविधा के अनुसार नागपुर में किसी डॉक्टर से बात कर ली, उन्होंने कहा आज ही 3 बजे आइए, अब आपको चाहिए डिस्चार्ज। अब ऐसे में डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए रिपोर्ट भी लिख दिया, लेकिन बिलिंग काउंटर वाले डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। इवन 3 लाख रुपए उस इलाज के दौरान लगने के बावजूद, पेमेंट होने के बावजूद भी बिलिंग काउंटर की तरफ से किसी भी तरफ से ये सुविधा नहीं दी जा रही थी कि उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। अब ऐसे में दिमाग ख़राब हो गया काफ़ी दिनों से, क्योंकि राकेश यादव जब से अपने पिता को लेकर के वहाँ थे उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन का जो रवैया था, जब भी मरीज या उसके परिजन मरीजों के बारे में डॉक्टरों से कोई वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं, तो उनका जो बेतुका बयान होता है, जो उनकी बात करने का सलीका रहता है, तरीका रहता है, वो बहुत बेकार रहता है। ऐसे में काफ़ी दिनों तक राकेश यादव ये सह रहे थे। जब आज उनका ये सहन शक्ति का घड़ा फूटा तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा कर दिया। इस हंगामे के दौरान वहाँ पर डॉक्टर आर के साहू भी मौजूद थे। हालाँकि इस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, जब हंगामा होता है तो उस अस्पताल में मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपने पीआरओ हैं, अपने बाकी के लोग हैं, उनसे कहते हैं कि कह दो कि जो डॉक्टर हैं वो नांदगांव गए हैं, जो डॉक्टर हैं वो रायपुर गए हैं, इस तरह का हवाला देते हैं।
अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, एक 16 साल की युवती जिसने जहर सेवन किया था, अस्पताल में भर्ती होती है। अस्पताल में भर्ती के बाद उसका इलाज होता है और इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मौत के बाद जब पुलिस को सौंपा जाता है तो पुलिस की तरफ से, अस्पताल की तरफ से पुलिस को ये तक नहीं बताया गया कि उस युवती ने जहर का सेवन किया था। ये सारी खामियों को लेकर के, ऐसी कई खामियाँ हैं जिसको लेकर के नवीन दारुका का ये अस्पताल और आरोग्यम अस्पताल, जहाँ के मुख्य डॉक्टर नवीन दारुका हैं और उसी के साथ डॉक्टर आर के साहू, ये साथ में रहते हैं और ऐसे कई मामलों में संलिप्त भी पाए जाते हैं। हालांकि ये पूरी चीज़ें जो हैं, ये जानकारी उन परिजनों के आधार पर मिली, उन परिजनों ने जो आरोप लगाया है ये केपी न्यूज़ आपको बता रहा है। केपी न्यूज़ ऐसे किसी भी चीज़ों को लेकर के या बयानबाजियों को या एक्यूरेट क्या कुछ बोला गया है उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मुताबिक लोगों की या बयानबाजियों के जो चीज़ हुई, जो तस्वीरें बनी, उसके अनुसार ये खबर बनाया गया है। जो खबर आपके सामने मैं सीमांत कश्यप कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ हुआ था वो तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला था और आगे क्या कुछ था, आगे क्या कुछ अपडेट होगी और बाकी शहर की खबरों को लेकर के हम आते रहते हैं तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल हम इस स्क्रीन पर आपको दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। मेरा नाम राकेश यादव है, मैं राजनांदगांव से हूँ। मेरे पिताजी राजनांदगांव से यहाँ एडमिट किया था किसी किडनी प्रॉब्लम में थी करके, फिर 10 दिन तक यहाँ पर क्रेडिट कम है करके बताया, क्रेडिट का ऑप्शन बढ़ा, इसमें सब कुछ सही हुआ। उसके इन्हें वहाँ पर कुछ प्लेटलेट डाले तो उसका प्रतिशत बढ़ते गया। उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने मिले ऑपरेशन करने के बाद, उनसे क्या बोले कि यहाँ से आप डिस्चार्ज कर लो और अपने परिवार को बुला लो करके, और आपके पीछे पिताजी की बचने की स्थिति बहुत नहीं के बराबर, 8-10 दिन जी गए तो बहुत बड़ी बात है करके। हम भी बोले ठीक है सर, हमने नागपुर में दूसरी जगह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए, डॉक्टर ने हमको ये बोला कि आप 3 बजे तक नागपुर ले आइए करके। हमने नागपुर ले जाने के लिए वहाँ अपॉइंटमेंट लिए, डॉक्टर सब कुछ किए सुबह डॉक्टर से, और रात हमने तुरंत हमने यहाँ से डॉक्टर से बात किए कि हमको डिस्चार्ज सुबह कर देना करके, तो ठीक है हम कर देंगे बोले। उसे 11 बजे राजनांद यहीं पर था, मैं डॉक्टर आए नहीं है, ये नहीं आया वो नहीं आया, फलाना ठिकाना करते रहे। उसके आर के साहू 12:30 बजे करीब आए, डिस्चार्ज पेपर बना के दिए और फिर बोले बिलिंग का टेंशन मत लो, 5 मिनट में बिलिंग हो जाती है बोले। और ये बिलिंग की स्थिति क्या हो गया, 3-3.5 बज चुकी है, कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं इतना परेशान हूँ। और वहाँ डॉक्टर से फोन पे फोन आ रहा है, डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है और 5 बजे निकल जाएगा, मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊँ और क्या करूँ। और इन्हें यहाँ पर जवाब दे चुके हैं कि पिताजी की आपकी स्थिति नहीं है बचने की और कभी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की कोशिश की हूँ, लेकिन वो डिस्चार्ज कर नहीं रहे, अपनी बिलिंग बढ़ा रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। और जब से डिस्चार्ज किया उसके बाबूजी को जो दवाई चाहिए वो दवाई भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज कर दिए तो लेट हो रहा है तो उनको दवाई दे, उनको ऐसे कुछ भी जवाबदारी नहीं। मैं परेशान हो गया, वापस अभी नानगोस आया हूँ और ये स्थिति मेरी स्थिति पैदा हुई है। डॉक्टर से डॉक्टरों से बात हुई है, बात की है, कोई डॉक्टर ढंग से बात करता नहीं है, कोई सलाह लेता नहीं है, कोई जानकारी देता नहीं है, ना वो मेडिकल वाले को मालूम है कि बिल वहाँ पैसा जमा है कि नहीं, ना जहाँ पर इलाज होता है वहाँ पर उसको, किसी को जानकारी नहीं है। इनसे बात करो, तुमसे बात कर लो, उनसे बात करो, उससे बात कर लो, ऐसे कोई भी ऐसा कोई जवाबदार आदमी नहीं है जिससे अपन ऐसे बात कर सके। क्या इसी क्या इसीलिए आ गया, इसीलिए गुस्सा जाए।